हेलो, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों आज के ब्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं अपने घर से, और आज हमारा प्लान है कि हम जाएंगे आपको लेकर मजनू का टीला, क्योंकि आज दिल्ली में बहुत अच्छी बारिश हुई है, मौसम बहुत अच्छा है। तो हम सोच रहे हैं कि हम मजनू का टीला जाएं, वहाँ छोटी मोटी शॉपिंग करें, घूमें फिरें और मजनू का टीला आपको एक्सप्लोर कर दिखाएं। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि मजनू का टीला में कितने अच्छे अच्छे शूज और कपड़े आते हैं, सब कुछ ट्रेंडी होता है वहाँ पर। जो भी दिल्ली के अंदर नया ट्रेंड आता है वहाँ पर होते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉपी शूज हो गए या फिर अच्छे अच्छे टी शर्ट हो गई। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने आज सोचा था कि हम भी खरीदेंगे तो आपको भी आज के ब्लॉग में दिखाएंगे। और वैसे भी कपड़ों से और जूतों से रिलेटेड वाले ब्लॉग्स पे हमारा अच्छा रिस्पॉन्स होता है, तो आज के ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अरे चलते तो है, लेकिन बाहर इतनी ह्यूमिडिटी है, परफ्यूम तो लगा ले। अरे हाँ दोस्तों, हमारे एक दोस्त ने बहुत ही अच्छा परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च करा है, तो चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। गाइज, विस्कोंटी एक न्यूली लॉन्च परफ्यूम ब्रांड है, और इस ब्रांड की फ्रेग्रेंसेस इटालियन इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस है, जिसकी एकदम लग्जरी फील है। और ये है विस्कोंटी किंग्स कलेक्शन, जिसके अंदर चार फ्रेग्रेंसेस हमको ऑफर होती हैं, जिसकी बात हम आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करनी पड़ेगी इसकी पैकिंग की। दोस्तों इसकी पैकिंग की भी बहुत ही प्रीमियम फील है, इसलिए इसका फर्स्ट ओपनिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, और ये गिफ्टिंग के पर्पस के लिए बेस्ट है। गाइज, किंग्स कलेक्शन पैक में हमको फर्स्ट फ्रेग्रेंस मिलती है ब्लू ओशन, और ये एक रिफ्रेशिंग एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है। और अगर आपको सिट्रस फ्रूटी स्मेल्स पसंद है तो ये आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और अगर इसके नोट्स की बात करें तो इसके अंदर मस्क एंड सीडरवुड नोट्स हैं, जिससे आप दिन भर फ्रेश फील करेंगे। गाइज, हमारी सेकंड फ्रेग्रेंस है इंपीरियल ओद, जिसमें हमें फर्स्ट नोट मिलती है नटमेग और सैफ्रन की, और इसके बेस नोट है एगरवुड, मस्क एंड पचोली। और ये वाली फ्रेग्रेंस स्पेशल ओकेजंस के लिए बेस्ट है। दोस्तों हमारी थर्ड फ्रेग्रेंस है एमवीपी। इस फ्रेग्रेंस के अंदर बर्गामोट और लेवेंडर के फर्स्ट नोट्स हैं, और जब ये फ्रेग्रेंस सेटल डाउन होगी तो इसमें आपको ड्राई वुड्स, ग्रीन फ्लोरल और वुडी मस्क की नोट्स मिलेंगी। एंड दिस फ्रेग्रेंस इज बेस्ट फॉर बिजनेस मीटिंग्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स। गाइज, किंग्स कलेक्शन की लास्ट फ्रेग्रेंस है क्लब लेजेंड। ये फ्रेग्रेंस ओपन अप होती है मैंड्रिन एप्पल और लेमन के नोट्स के साथ, और सेटल डाउन होने के बाद इसमें आपको स्पाइसी फ्लोरल पेपर के नोट्स आते हैं। गाइज, विस्कोंटी परफ्यूम्स का बेस्ट पार्ट मुझको ये लगा कि ये एंटी स्टेन परफ्यूम है, यानी कि आपके कपड़ों पर कोई भी स्टेन नहीं आएगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है, और ये 8 आवर्स तक आराम से लास्ट करेंगे। जब आप विस्कोंटी परफ्यूम फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तब आपके समझ आएगा कि विस्कोंटी परफ्यूम इस प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट परफ्यूम है इन द मार्केट राइट नाउ। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो विस्कोंटी की साइट पर आपको क्वींस कलेक्शन भी मिल जाएगा गिफ्टिंग पर्पस के लिए। सो गाइज, अगर आप ये परफ्यूम खरीदते हैं तो आपको विस्कोंटी की ऑफिशियल साइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं हर्ष15 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। दोस्तों घर से निकलकर अभी हम आ चुके हैं विधानसभा मेट्रो स्टेशन, और हमने एग्जिट कर लिया विधानसभा मेट्रो स्टेशन से, और अब हम यहाँ से लेंगे रिक्शा 20 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से, और आपको सीधा मजनू का टीला में ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अभी हम आपको एक शॉप में लेकर आ गए जहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा सामान होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं ज़बरदस्ती शूटिंग करूँगा ज़रूर। तो चलो अंदर चलते हैं, अगर मैं वॉइस ओवर कर सकूँगा तो वॉइस ओवर कर दूँगा, अदरवाइज़ हम वो लगा देंगे गाना, तो आप उसमें समझ जाएंगे। वैसे हम वॉइस ओवर करेंगे ज़रूर आपको समझाने के लिए, तो चलिए अंदर चलते हैं, कोई सुन ना ले हमारी बातें। गाइज, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं स्नीकर्स, क्योंकि मजनू का टीला मेनली फेमस स्नीकर्स के लिए ही है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉपी 7A क्वालिटी बहुत अच्छे स्नीकर्स मिलते हैं। आप जितने भी शूज देख रहे हैं इनका प्राइस है 2000 रुपीज़ से लेके 3000 रुपीज़ के बीच में। अब हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ के प्राइसेस पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बट इन शूज़ की क्वालिटी अच्छी है, तो अगर आपको ये शूज़ पसंद आते हैं तो आप इतने पैसे पे कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी हमें तो किसी टाइप के भी शू की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बस आपको स्नीकर्स दिखा रहे हैं। गाइज, ये इजी 350 जो अभी आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, इसका प्राइस यहाँ पर 2700 रुपीज़ था। लेकिन गाइज, हम यहाँ पर टी शर्ट्स लेने आए थे, और ये सारी टी शर्ट यहाँ पर अवेलेबल थी, बट हमको कोई टी शर्ट ज्यादा पसंद नहीं आई, बस हमने ये वाली एक टी शर्ट ली है जिसके प्रिंट की क्वालिटी और फैब्रिक की क्वालिटी काफी अच्छी थी, और इसका प्राइस जस्ट 500 रुपीज़ था। देखो दोस्तों, हम शॉप में अंदर दुकान में वीडियो बना रहे थे तो भाई मिल गए, इन्होंने पहचान लिया है, बड़ी देर से देख रहे हैं ध्यान से, फिर बोल रहे हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है, आपकी आवाज तो कहीं देखी भी लग रही है सुनी भी, मतलब वही। और इन्होंने सरोजनी नगर वाला वो करा, लेकिन इन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो आप इनके तरह मत बनो, चैनल सब्सक्राइब तो करो। मैंने कर लिया, लाइक भी करूंगा, सब्सक्राइब भी कर लिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपका नाम क्या? कुशल। कुशल भाई को बहुत सारा प्यार, मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई अभी हम शॉप से बाहर आ चुके हैं कवर करके, एक्चुअली उस भाई ने ना हमें पहचान लिया था, वो बड़ी देर से ना मेरा फेस क्यों देख रहा था, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था,
तो उन्होंने बोला कि मैंने तो आपको कहीं देखा है, है ना। फिर उन्होंने, मैंने उनका फोन खोल कर देखा तो पूरे उन्होंने हमारे वो चेक कर रखे थे व्लॉग्स। फिर हमने सब्सक्राइब भी कर दिया। दोस्तों आपको अंदर का व्लॉग कैसा लगा? मैं सब कुछ उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। चलो दोस्तों अब हम बाहर आ चुके हैं और अब हम दूसरी शॉप में जाएंगे आपको लेकर, चलिए चलते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं शॉप नंबर 2 में और हमको दिखे यहाँ पर ये लेकर्स के टैंक टॉप्स और बुल्स वगैरह के भी टैंक टॉप्स थे इसके अंदर। ये बिल्कुल ओरिजिनल वाले टैंक टॉप्स के तरह ही थे लेकिन इनका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा था। इनका प्राइस था दोस्तों यहाँ पर 1700 रुपीज ईच टैंक टॉप। नाइकी में ये 6000 रुपए के हैं सेम टैंक टॉप्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर काफी बढ़िया क्वालिटी में आपको ओवरसाइज टी शर्ट भी देखने को मिल जाएगी और इनका प्राइस भी प्रीवियस शॉप के तरह ही था 500 रुपए ईच। तो हमने यहाँ से भी एक टी शर्ट खरीदी है व्हाइट कलर वाली। ओवरसाइज टी शर्ट के अलावा हमको यहाँ पर ये पोलो टी शर्ट भी दिखी, तो दोस्तों चलो इसे ट्राई करते हैं। भाई देखो ये टी शर्ट मैं ट्राई कर रहा था, मैं धीरे बोल रहा हूँ, बाहर लड़का खड़ा हुआ है। और कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। लेने का प्लान था लेकिन इसका प्राइस सुन के अब ये लेने का प्लान नहीं है। 1200 रुपीज की है, इतनी भी ज्यादा खास नहीं लग रही कि 1200 रुपए दिए जाए। बाकी फैब्रिक वगैरह बहुत कंफर्टेबल है। देख के बताओ कैसी लग रही है, आप 1200 रुपए में इसको खरीदना पसंद करोगे कि नहीं? चलो बाहर चलते हैं। दोस्तों 1200 वाली टी शर्ट तो हमने ली नहीं क्योंकि उसका फैब्रिक बहुत ज्यादा ही हल्का था, बस डिजाइन अच्छा था। बट यहाँ पर जॉगर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे जिनका प्राइस 700 रुपीज था जस्ट। जॉगर्स के साथ ही साथ यहाँ पर कार्गोज भी आपको दोस्तों मिल जाएगी जिसका प्राइस 1200 रुपीज था। कलर ऑप्शन भी बहुत सारे थे और 1200 रुपए के हिसाब से क्वालिटी भी ठीक ठाक ही थी। और पहले वाली शॉप के तरह ही दोस्तों यहाँ पर स्नीकर्स भी मिल रहे थे और प्राइस रेंज भी इनका सेम ही था, 2000 to 3000 रुपीज। अभी हम मोमोज टेस्ट करने आ गए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर बेस्ट मोमोज की शॉप है। देखिए ये वाली शॉप की बात कर रहे थे हम, बहुत ही बढ़िया मोमोज बनाते हैं ये, जितनी बार भी हम आए आज तक डिसअपॉइंट नहीं करा इन्होंने, है ना। बिल्कुल इनको भी यहाँ के मोमोज बहुत पसंद है, पसंद है, वेट कर रहे हैं। पैन पैक पनीर मोमोज का ऑर्डर दे दिया है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बस। हाँ ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती जैसे कि, हाँ जबकि इतनी भीड़ है पूरे मजनू कटीला में, जब यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है। वैसे रहती है यहाँ पर कभी कभार थोड़ी बहुत लेकिन सरप्राइजिंगली आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो हमने सोचा कि फायदा उठा लेते हैं इस मौके का। 150 रुपीज की एक प्लेट थी और आने के बाद कैसे लगेंगे वो हम आपको बताएंगे, जो कि हमको पता ही है टेस्टी होंगे लेकिन हम आपको दिखाएंगे और आपको टेस्ट रिव्यू भी देंगे। भाई देखो ये आ चुके हैं हमारे मोमोज, कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। पैन फ्राइड मोमोज है, यहीं पर मिलते हैं, हमारे इधर नहीं मिलते कुल मिला के। चलो अब आपको टेस्ट रिव्यू देते हैं, कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट, बहुत बढ़िया है। 150 रुपीज वसूल, मस्ट ट्राई। जरा भाई मैं भी ट्राई करके देखूँ, आप भी खा लो भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब दिल्ली के लोगों को तो मोमोज वैसे ही पसंद है और इतने बढ़िया मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। और दोस्तों अब हमने अपने ड्रिंक ले लिए फेवरेट्स, सस्ती की सस्ती और बढ़िया की बढ़िया, 100 रुपए की रेडबुल से बहुत अच्छी। अभी हम किसी नेक्स्ट शॉप पर जा रहे हैं। वैसे एक बात सच्ची सच्ची बताएं, अब मजनू का टीला ना ओवररेटेड हो चुका है, प्लस यहाँ पर पहले जैसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और एक और चीज़ जो पहले जैसी चीज़ें मिल भी नहीं रही हैं तब भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। गाइज अब हमने एंट्री कर दी एक नई शॉप में और यहाँ पर देखिए बैगी जीन्स मिल रही है लीवाइस की। काफी सारे कलर ऑप्शंस भी दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और इसका प्राइस है यहाँ पर 1200 रुपीज। क्वालिटी तो दोस्तों सच में बहुत अच्छी है इसकी। और अगर आपको जीन्स इतनी ज्यादा पसंद नहीं है तो यहाँ पर आपको कार्गो भी मिल जाएगी जिसका प्राइस सेम है 1200 रुपीज। और अगर आपको याद हो तो पहले वाली शॉप पर भी प्राइस सेम ही था बट यहाँ की क्वालिटी स्लाइटली बेटर है। लेकिन हम यहाँ पर टी शर्ट्स की तलाश में आए थे तो चलिए यहाँ पर कुछ टी शर्ट्स ट्राई करते हैं। भाई एक टी शर्ट ट्राई करके देखी है मैंने, देखो उसका पीछे से प्रिंट कैसा है, कुछ इस तरीके का इसका पीछे का प्रिंट है और ये ना नेट टाइप की है। तो इतनी ये मैंने देखी नहीं थी उस टाइम पर, इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं लगती नेट क्योंकि बॉडी दिखती है ना। इसको चेंज करते हैं, ये ओवर साइज पैंट पसंद आई है थोड़ी, 1200 रुपीज की बता रहे हैं, सही लग रही है, इसको पैक कराते हैं। और ये 30 वेस्ट है, कलर बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता नहीं है, बेसिक ही चाहिए था तो ये बेसिक ही है। दो टी शर्ट्स तो उन्होंने ले लिया तो मैंने सोचा कि ये पैंट ले लेता हूँ। भाई जीन्स तो पसंद आ गई थी तो ले लिया। और इसके बाद हमने ये टी शर्ट चेक करी थी एलवी की, बाहर तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी लेकिन अब यहाँ पर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। आप बताओ कैसी लग रही है? 950 रुपीज की है वैसे, बट पैसे तो सही है, इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं लग रही मगर बाहर बहुत अच्छी लग रही थी। दोस्तों देखो हम शॉप में आए और यहाँ पर हमें कौन मिला है, कितना क्यूट है ये, इसके अंदर कितना ज्यादा एटीट्यूड है। गाइज अभी हम बैगी पैंट ढूंढ रहे थे, मैंने तो अपने लिए ले ली थी वहीं से जो मैंने आपको दिखा दी, इनके लिए ढूंढ रहे थे, इनका साइज वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। भाई ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कलर पसंद नहीं आया था। नहीं ये बात झूठ है, इनका साइज अवेलेबल नहीं था। और अभी हमको बोल दिया उन्होंने कि यहाँ पर कोको एक नाम का स्टोर है, वहाँ पर आप आ जाइए। तो अभी कोको स्टोर के अंदर चलते हैं, हम बाहर ही खड़े हैं, अंदर चल के चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। और थोड़ी बहुत चीज़ अगर मुझे भी पसंद आएगी तो ले सकता हूँ, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं, एक टी शर्ट चाहिए बेसिकली मुझे और कहीं भी मुझे पसंद नहीं आ रही, बाकी इनकी जीन्स मिलेगी तो जीन्स लेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। भाई कोको में बड़ी देर से आए हुए थे और ढूंढ रहे थे, एक यही टी शर्ट पसंद आई है, बाकी एक दो और आई थी वर्सांचे वाली, उसमें साइज नहीं मिला हमारा। एल वालों के लिए इतनी ज़्यादा वेरायटी नहीं देखने को मिली यहाँ पर, और बाहर वो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने दे रहे,
इसलिए अंदर आके बस आपको दिखा रहा हूँ और अब एग्जिट करेंगे यहाँ से। दोस्तों अभी हमने कोको से एग्जिट कर दिया है पर वहाँ पर भाई कुछ भी नहीं मिला। सब लोग बोल रहे थे वहाँ जाओ, ना वहाँ पर जीन्स ढंग की और ना वहाँ टी शर्ट ढंग की। सॉरी टू से, बड़े साइज़ में तो बढ़िया थी टी शर्ट थोड़ी, लेकिन एल साइज़ में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ए का पसंद आई थी, वो डोलचे की थी शायद, बट वो भी इतनी ज़्यादा प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक नहीं लगी जो कि मैंने आपको पहनकर दिखाई थी चेंजिंग रूम में, और वीडियो तो वो बनाने ही नहीं दे रहे थे तो हम आपको कुछ दिखा नहीं पाए। अब हमने दोस्तों ऑलमोस्ट सारी अच्छी अच्छी शॉप्स देख ली हैं और ज़्यादा कुछ हमको मिला नहीं। एक चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिली कि पहले जब हम यहाँ पर आया करते थे शुरू शुरू में ब्लॉग बनाने, तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती थी, दुकानें बंद होनी शुरू हो गई, काफ़ी कम प्राइस में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी। बट अब ऐसा नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक हो गए और चीज़ें भी इतनी सारी देखने को नहीं मिल रही जैसे पहले मिलती थी। थोड़े बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है बट प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया। बाकी शूज़ का ऐसा है कि शूज़ सारे आपको मिल जाएंगे बट उनका भी प्राइस इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है। तो अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, अगर रास्ते में देखते हैं कुछ मिलता है तो ठीक है, वरना तो फिर बाहर ही चलेंगे दोस्तों, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों बाहर जाने से पहले हम कुछ खाएंगे क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और घर जाके हम डिनर नहीं करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है इतनी रात में। वैसे पूरा मार्केट बंद हो चुका है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अबे हाँ यार, पूरा सुनसान हो गया, ये देखो भाई पूरा सुनसान खाली का। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी तो मजनू का टीला से रिक्शा पकड़ कर अब हम आ चुके हैं अपने घर के पास वाले मेट्रो स्टेशन पर, और रास्ते में हमने मेट्रो स्टेशन के बीच में जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ से कुछ खा लिया था, रिकॉर्ड करना भूल गए हम। और मुझे अभी याद आया, तुम्हें अभी याद आया, मेरे को भी जस्ट अभी याद आया। तो दोस्तों अब हम जाएंगे घर क्योंकि ऑलमोस्ट अब ये मेट्रो वगैरह भी बंद होने वाली है। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, प्लीज कीप सपोर्टिंग एज ऑलवेज, थैंक यू। और दोस्तों अगर आपको विस्कोंटी परफ्यूम चाहिए तो हम आपको एक बार और याद दिला देते हैं कि डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट कोड मिल जाएगा, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तो आप उसको अप्लाई करके परफ्यूम्स खरीद सकते हैं। बाय बाय दोस्तों। बाय दोस्तों।